मित्रों नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञानसधारा में। आज हमारी चर्चा रहेगी एक मुख्य विषय पर। विषय है कि हमारे जीवन में इतना दुख और इतनी परेशानी क्यों है। आज से 30-40 वर्ष पहले परिवारों में इतनी परेशानियां, इतना दुख नहीं था। मानव किसी हद तक शांत था। आज जबकि जीवन में इतनी सुख सुविधाएं हैं और पहले की अपेक्षा पैसा भी लगभग परिवारों के पास ज्यादा है, सुख सुविधाएं भी ज्यादा हैं, फिर भी हम लोग जो है परेशान हैं, अशांत हैं, ऐसा क्यों है? ये हमारा आज का विषय। आप सभी लोग ध्यान देंगे इस विषय की ओर। सबसे पहले हम अपनी दिनचर्या पर नजर डालते हैं कि हमारी दिनचर्या क्या है। हम सबसे पहले किस वस्तु के उठते ही दर्शन करते हैं और सोते समय किस वस्तु के दर्शन करते हैं? वो वस्तु है सबसे खतरनाक और सबसे ज्यादा जरूरतमंद आज के समय के अंदर, मोबाइल। सुबह उठते ही सबसे पहले लगभग आज का हर व्यक्ति मोबाइल को चेक करता है, उसमें व्हाट्सएप और फेसबुक को चेक करता है। जबकि ये दोनों जो चीजें हैं, फेसबुक और व्हाट्सएप, ये दोनों भी राहु से संबंध रखती हैं, क्योंकि इसमें कल्पनाशीलता अधिक है। और सुबह सुबह जय श्री राम बोलने की बजाय हम लोग उसमें मैसेज करते हैं गुड मॉर्निंग, भले ही अगले का पिता मरा पड़ा हो, रात को उसके घर में कोई डेथ हो गई हो, लेकिन हम लोग जो है जय श्री राम लिखने की बजाय गुड मॉर्निंग लिखना ज्यादा ठीक समझते हैं। जब किसी के घर में ऐसा हादसा हो और उसके पास सीधा एक मैसेज गुड मॉर्निंग का चला जाए, तो आप बड़ी भांति सोच सकते हैं कि उसको कितना अच्छा लगेगा या हमें वो चीज कितनी अच्छी लगेगी। प्रथम तो। दूसरी चीज, मोबाइल क्या है? राहु की आइटम है जो सुबह से लेकर रात तक हमारे साथ लगी रहती है, एक चीज। दूसरी चीज, जब हम उठने के बाद क्या करते हैं, समाचार देखने के लिए टीवी ऑन करते हैं, और अधिकतर लोग सुबह के समय नाटक तो आते नहीं, राजनीति के समाचार आते हैं, और राजनीति क्या है, वो राहु की चीज है। अब इसके आगे हम दो कदम और आगे बढ़ते हैं, नाश्ता, भोजन करना। आज भोजन जो है पूर्ण रूप से राहु से ग्रस्त हो चुका है। पहले हमारे परिवारों में जब आटा पीसा जाता था तो गेहूं पिसवाने वाली जो चक्की होती थी वो नेचुरल पत्थर की बनी होती थी, नेचुरल स्टोन होता था, पहाड़ों से लाते थे और उनको तराश करके उसको चक्की का जो है वो बनाया जाता था, और हाथ से पीसने वाली चक्की ज्यादा होती थी। अब क्या हुआ, अब एक स्टोन आता है केमिकल से बना हुआ, जो उसको एमरी स्टोन के नाम से बोला जाता है, जो कि केमिकल से तैयार होता है, ठीक है, और वो केमिकल राहु से बना हुआ है। केमिकल कोई भी जो है वो राहु होता है। ऐसा पत्थर जो है आज हमारी आटे की चक्कियों में प्रयोग होता है। अब रहेगी बिजली, हर इलेक्ट्रॉनिक आइटम बिजली की है, तो अब राहु के पत्थर में राहु द्वारा पीसा हुआ अन्न यानी कि आटा हमारे खाने के लिए तैयार होता है। इसके बाद जब आटा घर आता है और हम उसको खाने के लिए बनाने के लिए तैयार होते हैं, तो किस पर बनता है? खाना पकाने के लिए आज हर घर के अंदर एलपीजी गैस का प्रयोग होता है, लकड़ी और चूल्हा समाप्त हो चुका है। एलपीजी गैस जो है वो भी राहु की आइटम है। इसके बाद कुछ चीजें माइक्रोवेव में बनाई जाती हैं, माइक्रोवेव जिसमें केवल केवल बिजली की तरंगों का प्रयोग होता है भोजन को गर्म करने के लिए, बनाने के लिए, जो कि पूर्ण रूप से राहु की वस्तु है। रहा अब हमारा कुकर या एल्यूमिनियम की कोई भी चीज, एल्यूमिनियम के बर्तन का इस्तेमाल हम करते हैं,
स्टील के बर्तन का इस्तेमाल हम करते हैं जो कि वो राहु की चीजें हैं। अब खाना खाने के लिए प्लास्टिक के बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता है, प्लास्टिक जो है वो राहु है। पहले पीतल के बर्तन प्रयोग होते थे, याद रखिएगा पीतल का बर्तन बुध की आइटम है, कांच का जो बर्तन है वो बुध की आइटम है, और जो स्टील का बर्तन है और एल्यूमिनियम का जो बर्तन है वो जो है राहु की आइटम जो है। इसके बाद हम पानी आरओ का, अब आरओ क्या है, उसके अंदर तीन या चार जो ट्यूब्स लगी हुई हैं अलग अलग, उसमें अलग अलग केमिकल तैयार होता है, उसके अंदर बिजली की तरंगें तैयार होती हैं और उन बिजली की तरंगों द्वारा हमें जो है वो पानी साफ करके देता है। और जो जो हम बाजार से बिस्लेरी का या एक्वा का या और भी जो पानी हम इस्तेमाल करते हैं वो प्लास्टिक, प्लास्टिक क्या है, वो भी राहु है। आप हैरान होंगे आज ये बातें सब सुन करके, जो हम जूस पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, जो है वो प्लास्टिक जो जिसमें आता है वो सारा राहु है। मिनरल्स एंड केमिकल्स से बने पेय पदार्थ जो है राहु प्लस चंद्र जो है ये होते हैं। आज घरों में प्राकृतिक पानी कहीं पर भी नहीं है, डायरेक्ट पानी का इस्तेमाल बंद हो चुका है। सरकार भी कहती है कि आप जो है डायरेक्ट जमीन का पानी का इस्तेमाल ना करें। अब उसमें जो है उस पानी को साफ करने के लिए एक केमिकल मिलाया जाता है जिसे हम क्लोरीन के नाम से जानते हैं। अब वो क्लोरीन जो है वो भी राहु है। अब हर घर में बेडरूम के अंदर लगभग एक इन्वर्टर भी होता है जो कि राहु प्लस चंद्र की आइटम है। इसके बाद बेडरूम के बिल्कुल बाहर इन्वर्टर रखा जाता है, अंदर जो है बेडरूम के बिल्कुल सामने जो है असल में टीवी भी होता है, ऊपर से पंखा भी चल रहा है, एसी भी है, ये सारी जितनी भी वस्तुएं हैं ये सब राहु से हैं। अब जी और भी जो थोड़ी बहुत कसर बाकी थी वो जो है हमने टॉयलेट जो है हमने बाथरूम के साथ अटैच कर लिया, अब टॉयलेट सभी को पता है राहु की चीज है। अब बेड के बिल्कुल सामने रखा टीवी, स्टीरियो, लैपटॉप बेड पर हम रख के काम करते हैं जो कि पूर्ण रूप से राहु की चीज है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम राहु की होती है। अब देश की राजनीति की बातें तो छोड़िए, आज घर में भी राजनीति होने लगी है जो कि राहु के प्रकोप से ग्रस्त है। शहर और गांव में कोई भी ऐसा घर नहीं है जिस घर के आगे से बिजली का तार ना निकलती हो, वो राहु की चीज है। कोई भी घर ऐसा नहीं है जिसके दहलीज के नीचे से गंदे पानी की नाली ना बहती हो, वो भी राहु की वस्तु है। बिजली के तार, खंबे, ट्रांसफर, गंदे पानी की नाली, ये सब राहु की चीजें हैं। पुराने समय में शाम विरात को अंधेरा दूर करने के लिए लैंप जलाया जाता था, लालटेन के बाद सूर्य की कमी को काफी हद तक दूर करने का काम करती थी। वो आग थी जो सूरज थी और सूर्य बलवान होता था, लेकिन आधुनिक जीवन के अंदर सूर्य की रोशनी से दूर भागता हुआ इंसान ऑफिस में काले शीशे में कर्टन लगा करके रोशनी के को अंदर आने से रोकता है, सूर्य को आने से रोकता है, और हम एसी चला करके राहु के प्रकोप को बढ़ा करके कृत्रिम रोशनी जो है डुप्लीकेट लाइट्स का अरेंजमेंट करते हैं, बल्ब, ट्यूबलाइट लाइट आदि जो भी हैं ये सब राहु से ग्रस्त हैं, राहु की आइटमें हैं। बल्ब इत्यादि से निकलने वाली रोशनी वो भी राहु है। हवा में बढ़ता हुआ काला धुआं, प्रदूषण हम सबको नजर आ रहा है जो सांस के साथ हमारे अंदर जाता है, हवा में फैला काला धुआं ये भी राहु है। किसी भी प्रकार का धुआं जो सिगरेट का भी हम छोड़ते हैं वो भी राहु का है, गाड़ियों का जो धुआं होता है वो भी राहु का है। कोई भी इसके अलावा हम अपने देश, जन्म स्थान की संस्कृति, भाषा आदि को छोड़ रहे हैं और हम विदेशी संस्कृति भाषा को अपनाते जा रहे हैं। विदेशी भाषा इंग्लिश जो है और उर्दू जो है वो भी राहु की आइटम है। आपको शायद इन बातों के बारे में बहुत ज्यादा पता नहीं होगा। विदेशी संस्कृति व भाषा राहु, ऐसी ऐसी वस्तुएं हैं जो मैं लिखता चला जाऊंगा, बोलता चला जाऊंगा, वो लेकिन वो कभी समाप्त नहीं होंगी। इस पर जो है पूरी पुस्तक लिखी जा सकती है। फिर हम लोग ये पूछते हैं कि हम परेशान क्यों हैं, मानसिक परेशानी क्यों बढ़ती जा रही है, क्योंकि इंसान की सोच, विचार एवं ख्यालात की शक्ति पर राहु का पूर्ण रूप से अधिकार हो चुका है। इतना सब कुछ खुद करने के बाद इंसान पूछता है कि मेरे जीवन में इतना कष्ट क्यों है, इतनी परेशानी क्यों है, मैंने तो किसी का कुछ बुरा भी नहीं किया, मैं तो कुछ गलत भी नहीं करता। वारे ऐसे इंसान जो खुद ही अपने जीवन के रास्तों को बंद कर रहा है,
कृत्रिम जीवन पर आधारित हो रहा है, नेचुरल चीजों को छोड़ रहा है, फिर पूछता है कि मैं परेशान क्यों। अब आप का एक प्रश्न होगा आपके मन में कि हम अब इन चीजों से छुटकारा कैसे पाए। छुटकारा तो नहीं पा सकते, लेकिन हम कैसे करें जो इनके प्रभाव को कम किया जा सके। खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम इस रूप से ग्रसित हो चुके हैं, विज्ञान ने हमें वहां तक फंसा लिया है। हम तो ये कहेंगे कि हम उसके चंगुल से नहीं फंस सकते। तो करना क्या चाहिए, इसके लिए दो तीन बातें मैं आपको बताऊंगा। अगर आप उसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो उसमें आपको काफी हद तक लाभ प्राप्त होगा। प्रथम तो हमें राहु से कौन बचाता है, चंद्रमा। अगर हम अपनी मां के प्रतिदिन चरण छूते हैं तो चंद्रमा राहु के प्रकोप को कम करता है। अब वो संस्कृति भी हमारी समाप्त हो चुकी है। हम तो हाय मॉम हाय डैड कहकर के बुलाते हैं, मां बाप के चरण हम नहीं छूते हैं, तो ग्रहों का नेचुरली प्रभाव तो पड़ेगा। हम लोग सोना धारण नहीं करते हैं लुट जाने के छिन जाने के भय से। बृहस्पति कमजोर हो जाता है, राहु को हम बढ़ाते जा रहे हैं, बिजली की वस्तुओं को बढ़ाते जा रहे हैं और अच्छे ग्रहों की चीजों को हम घटाते जा रहे हैं। तो इसका सबसे पहला उपाय, अपनी मां के चरण छुएं, चांदी के गिलास में पानी पिएं, कोशिश करें एक दिन या हर पूर्णिमा को गंगा स्नान करने का प्रयास करें। जितना आप गंगा स्नान करेंगे उतना राहु के प्रकोप से बचा रहेंगे। और जो सबसे बड़ा उपाय, जो बिल्कुल मुफ्त का उपाय है, हम किसी भी धर्म स्थान की देहली पे अपना माथा लगा करके नमस्कार करें। माथा धर्म स्थान की देहली पर लगाएं। ये जो स्थान होता है ये राहु केतु की बैठक है, और जब हम उस देहली को, देहली होती है मंगल की और धर्म स्थान होता है बृहस्पति का, जब हम अपना सर जो है उस देहली पर लगाएंगे तो राहु उन शरारतों को कम करता है, राहु का प्रभाव वहां पर कम पड़ता है। तीसरा उपाय, अगर हम रसोई के अंदर बैठकर खाना खाते हैं, याद रखिएगा रसोई जो है मंगल का क्षेत्र है, राहु मंगल से दबता है, राहु की शरारतें रसोई में मंगल के स्थान पर थोड़ी सी कम होती हैं, तो रसोई में बैठकर खाना खाएं, चांदी का प्रयोग हम अधिक से अधिक करें पहनने के रूप में, भाई से संबंध अच्छे रखें, मां से संबंध अच्छे रखें, और जितना प्रयास हो सके हम कुदरती हवा में जीने का प्रयास करें। मोबाइल को जब आवश्यकता हो तभी अपने पास रखें, वरना मेज पे या टेबल पर रखें, अपनी पॉकेट में कम से कम कोशिश करें रखें। तो इन कुछ बातों का आप ध्यान कर सकते हैं, और दो मैंने जो दो तीन जो है उपाय बताए हैं उन उपायों को करके आप राहु के बुरे प्रभावों से कुछ हद तक बच सकते हैं। और वैसे तो उपचार से परहेज बेहतर होता है। परेशानी से बचने का सिर्फ एक सीधा सा उपाय है कि अपनी जीवन शैली में थोड़ा थोड़ा हम बदलाव लाएं, और ये कुछ उपाय हैं उनको करें ताकि हम राहु के प्रकोप से बच सकें। जितना हो सके आप इस वीडियो को, इसमें बताई हुई चंद बातों को आपको अगर अच्छी लगती हैं, आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपके अपने इस YouTube चैनल ज्ञान रसधारा को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई नई जानकारियां उपलब्ध हो सकें। धन्यवाद।